बच्चों की तालीम या पढ़ाई यहाँ पर ठीक चलती है या नहीं, तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ये वो मदरसा है, आप हमारे साथ कैमरामैन संदीप आ रहे हैं और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं इस मदरसे के अंदर और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम वो टीचर्स हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, ये ज़रा देखिए, यहाँ पर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सरकार की तरफ से लगातार अवैध मदरसों को लेकर बात चल रही है कि कैसे उन पर रोक लगाई जाए, पर जो मुख्य धारा में मदरसे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास चल रहे हैं। ऐसे ही मदरसे हम यहाँ पर आए हैं, आपको वाराणसी में दिखाएंगे। ये लोता इलाका है और ये मदरसा फैजुल उलूम है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या इंतजाम हैं बच्चों के लिए और क्या बच्चों की तालीम या पढ़ाई यहाँ पर ठीक चलती है या नहीं, तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ये वो मदरसा है, आप हमारे साथ कैमरामैन संदीप आ रहे हैं और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं इस मदरसे के अंदर और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम वो टीचर्स हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, ये ज़रा देखिए, यहाँ पर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीज़ें लिखी, जो मेन मेन पॉइंटर्स होते हैं वो लिखे हुए हैं। आप इधर आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक टाइम टेबल लगा है जिसमें उर्दू में लिखा है थियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, यानी कि जो भी जो जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से व्याख्या दी गई है बच्चों के लिए, आसानी रहेगी, वो टाइम टेबल देख के अपने हिसाब से आ पाएं। और ये जो मुझे प्रतीत होती है एक लाइब्रेरी लगती है, जहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए किताबें रखी हैं कि वो यहाँ पर आकर पढ़ाई देख सकते हैं। इसके अलावा दाखिला, यानी कि जब आपका किसी मदरसे में दाखिला होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसकी भी यहाँ पे आप देखेंगे। दाखिले के लिए निम्न दस्तावेज़, बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो, मोबाइल नंबर, लड़के या अभिभावक का बैंक पास, पासबुक का फोटोकॉपी, यदि किसी दूसरे मदरसे या स्कूल में पढ़े हैं तो उसका टीसी, तो ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन के लिए चाहिए होती हैं, जो यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है कि अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हैं। और अब आपको मैं ले चलूंगा क्लासेस की तरफ। जो अगर आप इधर देखें, यहाँ पर एक टीचर हैं जो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं। क्लास का नाम लिखा है, बाहर भाग संख्या लिखी है और तमाम बच्चे छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर वो यहाँ इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि लगातार धरपकड़ चल रही है कि आखिर अवैध मदरसों पर किस तरह से काबू लाया जाए, पकड़ा जाए, जहाँ पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ हम आए हैं, यहाँ पर फिलहाल चीज़ें आप देखेंगे अगर, तो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स इंग्लिश की क्लास यहाँ पर चल रही है, सर्कल को बता रहे हैं क्या होता है, घेरा स्क्वायर को बता रहे हैं, वर्ग ट्राइंगल होता है, त्रिभुज और रेक्टेंगल होता है, आयत। मैं सीधे चलूंगा इनकी क्लास में, थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करूंगा। सर क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों? ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आज, शेप्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी हाँ, बच्चों को जो है शेप्स के बारे में बता रहे हैं, आयत, वर्ग, स्क्वायर, ये सारी चीजें बता रहे हैं। बच्चे भी ध्यान से पढ़ते हैं। कौन कौन से पीरियड्स लगते हैं, क्लासेस कौन कौन से लगते हैं सब्जेक्ट्स के इस क्लास में? सब्जेक्ट्स ओवरऑल कितने लगते होंगे? इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है और उर्दू है और डिक्टेशन वगैरह है। बच्चों को सबसे ज्यादा मजा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आता है? सबसे ज्यादा सभी बच्चे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश भी पढ़ते हैं बड़े शौक से और मैथ तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं अच्छे से। हाँ हाँ, मैथ्स पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। बच्चे भी छोटे छोटे बैठे हैं यहाँ, प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, उनसे भी जरा क्या पढ़ाई कर रहे हैं जरा जानते हैं। क्या पढ़ाई हो रही है आज? इंग्लिश। पढ़ाई क्या लिखा है आपने? इंग्लिश। ये सर्किल है, सर्किल क्या होता है? इंग्लिश। ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है आपने लिखा है? आज पहला चैप्टर लग रहा है। ओके, ये देखिए तमाम बच्चे यहाँ बैठे हैं, इधर भी, ये देखिए क्या लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं? हाँ, क्या लिख रहे हैं? रेक्टेंगल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, हर उम्र के बच्चे आपको मिलेंगे यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि इनकी क्लासेस चल रहे हैं तो ये समझ रहे हैं चीजें क्या होती है। पीछे देखिए तमाम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये थोड़ा उनसे भी बातचीत एक बार कर लेते हैं चल के कि किस तरह से आखिर यहाँ पर बातचीत चल रही है, क्लासेस चल रहे हैं। क्यों बेटा, नेशनल एंथम आता है? नेशनल एंथम आता है आपको? नहीं आता है? थोड़ा सा भी नहीं आता? जनगण मन आता है? जनगण मन आता है? सुनाइए। नहीं आता। नहीं आता आपको? जनगण मन आता है? नहीं आता है। यहाँ सिखाया नहीं क्या? यहाँ सिखाया नहीं क्या? लेकिन अभी दम थोड़ा याद है, थोड़ा सा याद है, चलिए सीख लीजिएगा। तो ये देखिए तमाम बच्चे यहाँ पर हैं और ये पूरा क्लास का प्रमाइसिस है यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पढ़ाई चल रही है। और केवल ये हिस्सा ही नहीं है बल्कि इस तरफ का हिस्सा है जहाँ पर लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनको यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है, सिखाया जा रहा है। आज सर्कल्स की क्लास चल रही है, तमाम इस तरह की क्लासेस चलती हैं। आप सामने देखिए एक बार, सामने की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर वॉशरूम भी है बच्चों के लिए,
यानी कि बाथरूम की सुविधा जो कि एक मस्ट है किसी भी स्कूल में, वो भी यहाँ पर दी गई है। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, और तो उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर टीचर्स हैं या जो मास्टर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी मौजूद हैं। बच्चे तो यहाँ बड़े चाव से पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ? सारे सब्जेक्ट जो भी बोर्ड से निर्धारित सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सारे सब्जेक्ट ऑल टू ऑल जो भी बोर्ड से निर्धारित हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्या रजिस्टर्ड है मदरसा आपका? कितना पुराना मदरसा है? 1940 में इसकी नींव रखी गई थी और 79 और 80 में इसकी मान्यता मिली है। 1996 सरकार से अनुदानित हुई है। सैलरी आप लोगों को मिलती है? जी, सरकार से। आप क्योंकि अभी आपने सुना होगा मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो रही है, शायद आप लोग का बजट भी बढ़े आने वाले वक्त में, तो क्या चाहते हैं कि आप लोग को और मिले जिससे कि बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो सके? हम लोग ये चाहते हैं जैसे सरकार सिर्फ टीचर की सैलरी देती है तो कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं दे जिससे कि बिल्डिंग का विकल्प हो और जो भी जरूरियात हो, सिर्फ जो बच्चों यहाँ टीचर को मिलती है सरकार की तरफ से वो बच्चों को वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलता है और सैलरी मिलती है, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज बिल्डिंग के लिए मेंटेनेंस के लिए नहीं मिलता है। अगर इसमें हो जाए तो थोड़ा और सुधार हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि कई जो फेक मदरसे चल रहे हैं आधा बजट कभी उसमें चला गया और उस चक्कर में जो मुख्य धारा में अगर रजिस्टर्ड है तो नुकसान आपका भी है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? जो कार्रवाई आजकल हो रही है कि जो फेक है उनको किनारे कर रहे हैं और जो मुख्य धारा है उनको मेन आगे जोड़ रहे हैं। जो फेक वाले हैं उनको अलग अगर किनारे करें तो बेहतर बात है। जो हम लोग एडिट है उसमें अगर दे तो बेहतर और बेहतर है, हम लोगों को मिलना चाहिए सुविधा उसका। आपको लगता है सुविधा मिलेगी तो बच्चों का भी भविष्य सिक्योर होगा? बेशक का है, क्यों नहीं। ऊपर भी आपका है एरिया यहाँ पर, ऊपर बड़े बच्चे पढ़ते हैं, ऊपर नीचे प्राथमिक पढ़ते हैं, ऊपर जूनियर के बच्चे पढ़ते हैं और आली आगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पहल है और एक तरह से बच्चे जो छोटे छोटे हैं अभी उनकी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, ये भी ये चीज मानते हैं कि जो मुख्य धारा में जोड़ने की बात है वो कहीं सफल अभियान हो सकता है। जो फेक हैं उनको किनारे करें और जो मुख्य धारा में हैं उनका और बजट बढ़ाएं जिससे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको और बेहतर एजुकेशन दी जा सके। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समद श्रीवास्तव, वाराणसी।